हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की एडिशन, तो मैं हमने अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रखा है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 10.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया था। आज चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। कह रहे बाय व्हाट नंबर शुड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर ईच केस। ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। कह रहे हैं ये जितने भी नंबर्स आपको दे रखे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो ऐसे कौन से नंबर से हम डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उसके साथ साथ इनका जो स्क्वायर होगा, जिनके ये स्क्वायर होंगे वो नंबर भी आपको बताना है नए नंबर। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, बस उसमें मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड है। चलो देखते हैं, यहाँ पर एक पार्ट करोगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे तो हमने एनसीईआरटी से ये वाला पूरा कर रखा है तो आपको आता होगा। तो 2 से इसको डिवाइड किया हमने, 8281 पे डिवाइड हो रहा है। अब 8281 जो है वो तो 2 की टेबल में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, वो 3 की टेबल से करके देख लो तो 3 का रूल भी उसके अंदर नहीं लग रहा, तो वो सीधा 7 की टेबल से जा रहा है। उसके बाद तो 1183 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब 1183 भी यहाँ पर 7 की टेबल से जा रहा है 169 पे। देखो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद होने चाहिए, तभी आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये इस टेबल से जा रहा है या उस टेबल से। क्लियर है? अब 169 13 का स्क्वायर होता है, हो गया। अब अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स को देखें तो वो आया 2 × 7 × 7 × 13 × 13। देखो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, लेकिन ये 2 तो अकेला रह गया, तो अब आपको यहाँ पर एक और 2 मल्टीप्लाई नहीं करना, इस 2 को हटा देना है। तो डिवाइड कर दोगे एक 2 से तो हट जाएगा ये, यहाँ पर वही नंबर निकल गया, रिक्वायर्ड नंबर शुड बी डिवाइडेड, तो वो आ गया 2। अब डिवाइड के टाइम पे दोनों साइड डिवाइड करो, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड। ठीक है, ये 7 × 7 और 3 × 3 ऐसी है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, 1 6 5 6 2 को 2 से डिवाइड किया तो 8281 आ गया, ये कटोगे तो 1 ही आ गया। यहाँ 7 × 7 × 3 × 3 बचा। शेयरिंग कर दी, ठीक है, क्लियर। अच्छा ये 13 है, 3 नहीं है, तो 13 लिख देना इसे, कहीं हम 3 लिख दें तो यहाँ आ जाएगा 13 × 13। अब यहाँ बचा 7 × 13, इसका मतलब 8281 जो है वो किसका स्क्वायर है, 13 को 7 से इंटू कर दो तो वो 91 का स्क्वायर। आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, दो बार 91 को इंटू कर। तो आपसे ये वो भी पूछ रहा था, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, ये नया नंबर किसका स्क्वायर होगा वो भी बताओ, तो वो 91 का स्क्वायर है। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट देखो। 3698 है आपके पास, अगेन 2 की टेबल से जा रहा है 3698, क्योंकि इसके लास्ट में 8 लगा हुआ है, तो मैंने इसको 2 से पूरा डिवाइड किया तो 1849 आ गया। अब जब मैंने 3 का रूल लगाया तो ये 3 की टेबल से नहीं जा रहा था, 7 का रूल लगाया तो 7 की टेबल से भी नहीं जा रहा, 9 के रूल से भी नहीं जा रहा था, 11 के रूल से भी नहीं जा रहा। ठीक है, उसके बाद कई सारे नंबर से किया, फिर यहाँ पर पता चला कि ये तो 43 का स्क्वायर होता है, मतलब 43 × 43 करोगे तो आपके पास ये आएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा, देखो आपको पता है कि 40 का स्क्वायर जो है वो 1600 होता है, और ये 1600 से बड़ा है, तो अब आप डायरेक्ट 40 के आगे के नंबर्स ले लो। 41 लोगे तो 41 × 41, लास्ट में 1 है तो आंसर में भी 1 ही आएगा, पर हमें 9 चाहिए। उसके बाद 43 लोगे तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रूल्स भी आपको याद रखने हैं, एनसीईआरटी में ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने सीखी हैं, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है बस। फिर यहाँ पर 2 × 43 × 43, अगेन इसका पेयर तो हो गया पर एक 2 अकेला रह गया, तो 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब रिक्वायर्ड नंबर शुड बी डिवाइडेड। तो कितना आ जाएगा 2। अब मैंने क्या किया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया,
और यहाँ पर भी टू से डिवाइड कर दिया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1849 आएगा, ये कट गया, ये 43 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। 5103 है, ये तो देख के ही पता है कि टू की टेबल से तो जा ही नहीं रहे, तो इसको किस टेबल से भेजा जाए, पहले वही रूल लगाएं। तो मैंने थ्री की टेबल का रूल लगाया ना, तो ये थ्री की टेबल में 501 पे चला गया। 501 भी थ्री की टेबल में जा रहा है 167 पे, पर अब 167 नहीं जा रहा थ्री की टेबल में, तो फिर 167 किसकी टेबल से जाएगा? सेवन की टेबल से ट्राई कर लो आप, ठीक है, नाइन की टेबल से, इलेवन की टेबल से, जो मेन मेन ये टेबल्स होती है ना, इनसे ज़रूर ट्राई कर लिया करो। तो जिससे भी जा रहा हो तो अच्छी बात है, वरना नहीं जा रहा तो 167 जो है वो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर एक प्राइम नंबर है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर देखो इसके फैक्टर्स, 3 × 3 × 167 है, ये तो पेयर हो गया है। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर नंबर ही गलत लिख दिया, 5103 था, इसलिए इसके फैक्टर्स ऐसे आए हैं। इसको हटा देते हैं, दोबारा करते हैं। अब 5103 के फैक्टर्स निकालते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो मैंने 3 से डिवाइड किया तो 1701 आ गया, अगेन 3 की टेबल से जा रहे हैं 567 पे, दोबारा 3 की टेबल से जा रहा है 189 पे, अभी एक बार और 3 की टेबल से जा रहा है 63 पे, फिर दोबारा 3 की टेबल से जा रहा है ये 21 पे, अब ये दोबारा 3 की टेबल पे जा रहा है 7 पे, 7 × 7। तो 5103 के फैक्टर्स क्या आ गए प्राइम फैक्टराइजेशन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक बार 7। देखो इनकी पेयरिंग हो गई, इनकी पेयरिंग, इनकी पेयरिंग, लेकिन 7 अकेला रह गया है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर शुड बी डिवाइडेड, वो आ गया 7। 5103 को भी 7 से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर भी 7 को 7 से कर दिया, ये तो 1 हो गया। अब 5103 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 729 आ जाएगा। यहाँ पर 3 के पेयर हैं, तो 3 × 3 = 9, 3 × 27 का मतलब 729 जो है वो 27 का स्क्वायर है। क्लियर है? चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। थ्री वन सेवन फोर है तो वो टू की टेबल से जाएगा ही जाएगा, 1587 पे जा रहा है। अब ये थ्री की टेबल से जा रहा है आपके पास 529 पे, ठीक है, अब नहीं जाएगा। अब 529 आपको पता है किसी का स्क्वायर होता है? बिल्कुल 23 का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अप टू 30 तक के स्क्वायर्स ज़रूर याद कर लो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे जल्दी से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो 3174 के फैक्टर्स हो गए 2 × 3 × 23 × 23। पेयरिंग में सिर्फ एक ही पेयर बना, 2 और 3 का पेयर ही नहीं है, तो 2 और 3 दोनों को ही हटाना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर शुड बी डिवाइडेड, वो क्या आ जाएगा 2 × 3, तो इसका मतलब यहाँ पर 6 से डिवाइड करना है या फिर 2 × 3 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है, और यहाँ पर भी 2 और 3 को डिवाइड कर दो ये हटाने के लिए, और 23 × 23 ऐसी है। अब अगर आप 3174 को 6 से डिवाइड करते हो ना तो 529 आएगा, ये तो आपस में कट गए और यहाँ आ गया 23 का स्क्वायर, और 529 23 का ही स्क्वायर होता है,
क्रॉस चेक भी हो गया साथ साथ, ठीक है। तो ये था फोर्थ पार्ट। अब एक रह गया है फिफ्थ पार्ट जो आपके पास होमवर्क में है, जल्दी से इसे अभी सॉल्व कर लो। अब फटाफट से ना कमेंट करके बता दो कि इसका आंसर क्या आया। दो आंसर बताने हैं, एक तो रिक्वायर्ड नंबर वाला बताना और एक जो उसका स्क्वायर आएगा वो बताना, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस चैनल पे एनसीईआरटी पूरी अपलोड है, आप लोगों को पता है। साथ के साथ मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस भी अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं, प्लस आरडी शर्मा के चैप्टर्स तो अपलोड हो ही रहे हैं चैनल पे। थैंक यू।